be kicked. क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं NFS अनबाउंड। पिछली बार हमारे पास पैसे नहीं बचे थे यार रेस करने के लिए, तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा पैसा वैसा हम कमाएं, कहीं से अर्न करें और उसके बाद अपन जाएं अपना रेस वेस के अंदर हल्ला मचाएं, आतंक काटें। तो अभी के लिए देखते हैं, मैं ऐसे ही दो पॉइंट मार रहा था, ट्राई कर रहा था कि देखते हैं कैसे इसके ग्राफिक्स वगैरह हैं। तो इफेक्ट वगैरह बहुत अच्छा आ रहा है। अभी दो मिनट मार के ख़त्म करते हैं, नहीं तो पुलिस वाले आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे। और आगे जाके ट्राई करते हैं कि हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है या नेक्स्ट रेस हमारी क्या होने वाली है और हम कैसे पैसे कमाएंगे। चलो पेट्रोल पंप के अंदर से निकाल लेते हैं, अपनी गाड़ी थोड़ी रिकवर हो जाएगी, व्हीकल रिपेयर्ड। तो NFS में जैसे आप लोगों को पहले भी पता होगा कि आपने शायद पहले वाले NFS खेले हों या ना खेले हों, या पर देखी तो होंगी ज़रूर वीडियो। तो NFS के गेम्स में मोस्टली क्या होता है कि अगर आप कोई पेट्रोल पंप के अंदर से निकल जाते हो तो आपकी गाड़ी पूरी की पूरी रिपेयर हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डैमेज है ना तो वो पूरा रिपेयर हो जाता है। ग्राफिक इस गेम के बहुत अच्छे हैं यार, मज़ा आ जाता है ये गेम खेल के। हाय हाय, मैं रॉन्ग साइड जा रहा हूँ या ये रॉन्ग साइड जा रहा है पता नहीं। अपनी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, बस आ गए हैं राइडेल के गैराज पे। दिन हो गया, नाइस। दिन में कोई रेस होगी तो दिन की रेस ट्राई करते हैं। मुझे लगता है जब तक हम लोग ना वो लास्ट रेस जीतेंगे नहीं ना, तब तक ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। We good? Yeah, we're good. थोड़ा तेज चलते हैं, क्यों मैं इतनी आराम से जा रहा हूँ। कौन सी रेस है, किधर है, आगे से। किधर है भाई मीटअप? ये इवेंट के लिए आ गए हम शायद, रेस वेस। यार मैंने तो वे पॉइंट रेस का लगाया था, ये बंदी ने ये लगा दिया। कहाँ पे है, हट जा, उड़ा दूंगा मैं, आजकल GTA खेल रहा हूँ, सड़क पे से हट जा। हैमर टाइम, गेट द रेसर टू सेफ हाउस। ठीक है, कोई हमें रेसर मिला है, उस रेसर को हमें सेफ हाउस तक लेके जाना है, तो अपना यही मिशन है पहला। अवॉइड द कॉप्स, ठीक है, पुलिस वालों से बच के उस रेसर को हमें सेफ हाउस तक लेके जाना है। बेसिकली वो ट्रांसफॉर्मर कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्टर वाला काम है अपना। गाने वाने ना यार, ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। चलो, पुलिस ने स्पॉट कर लिया, बच गए बच गए बच गए। पुलिस ने स्पॉट कर ही लिया था, सांप एकदम मुंह के सामने था पुलिस वाला। कोई नहीं, आराम आराम से जाएंगे। गेट द रेसर टू सेफ हाउस, ओके भाई लेके जा रहा हूँ सेफर, रेसर को सेफ हाउस तक ही लेके जा रहा हूँ मैं। कितना पैसा मिला? पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं। Okay, I guess you didn't fully suck. Wow, glowing endorsement. बीच में से काट लिया हमने रास्ता, दो पुलिस वाले निकल रहे थे, दोनों पुलिस वालों से बच के हम लोग आ गए। चलो इधर से चलते हैं, आगे से अपने को राइट लेना है, आराम से ब्रेक लगा के राइट लेते हैं। हमें कोई बिना बात का लफड़ा नहीं चाहिए भाई सड़क के ऊपर, अभी सिर्फ हमारा मेन फोकस है पैसे कमाने पे, पैसे कैसे हम कमाएं, और पैसे कमा के फिर हमें जाना है रेस करने। वो 6,000 वाली जो रेस है ना, वो मुझे देखनी है, ट्राई करनी है। फिर कोई पुलिस वाला आ गया, और ये अगर इधर ही आएगा ना तो फिर अपने साथ दिक्कत हो जाएगी, तो हम लोग इधर चले जाते हैं, आराम से पेट्रोल पंप के अंदर से निकलते हैं। चलो बच गए। कुछ एक इंडिकेटर दिया हुआ है पुलिस वालों की गाड़ी के पास, जैसे ही वो लोग हम लोग हमें देख लेते हैं ना तो वो एक इंडिकेटर फील होने लगता है। अगर वो इंडिकेटर फुल हो गया तो फिर अपन पकड़े जाएंगे पुलिस से, या वो हमें स्पॉट कर लेंगे, फिर हमें भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, बचना पड़ेगा। एक वो जा रहा पुलिस वाला सामने, बारिश बारिश आई थी क्या, सड़क बहुत गीली विली हो रखी है। हीट लेवल अभी अपना 1 है,
सामने भी एक पुलिस वाला है। अच्छा वो तो चलो दूसरी सड़क के ऊपर। कहाँ मैं उतार दे रहा हूँ, यहाँ जंगलों में गाड़ी आ रही है। ये व्हील है तो अच्छा, पर मुझे ना इसका आज तक फोर्स फीडबैक वाला सिस्टम समझ में नहीं आया। कभी ये व्हील एकदम लाइट हो जाता है, कभी ये व्हील एकदम हार्ड हो जाता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता हो तो मुझे बताना यार जरूर। मैं थोड़ा थोड़ा ना मैं इससे वो हो जाता हूँ, ऐसा ऐसा फील होने लगता है, समझ में नहीं आता कब क्या हो रहा है इस व्हील के साथ। पहुंच गए क्या लोकेशन पे? चलो जल्दी, पैसा दो, पैसा पैसा पैसा। And my friends are always welcome at my set. Yo, kid, you a yes? Nah, out on my own. पैसा वैसा तो यार कुछ भी नहीं मिला हमें, बिना बात का हम सोशल सर्विस कर रहे थे क्या? ठीक है, इसकी दोस्त ने बोला था कि भाई ये मेरा एक दोस्त वोस्त है, इसे अपना जाके उस सेफ हाउस तक छोड़ के आओ। तो कम से कम 100-150 डॉलर तो देती यार। He's firing up his oil drum and making his brisket with his dad's secret marinade. You in? I'm busy. Oh, come on, yes? He said the clients like their cars. So? So he's happy. Pata nahi ridal pedal bhi kya hi kar raha hai. Now dude thinks he can win me over with brisket? Uy! Talk it out. You'll see that he means well. I got a call coming through. Later. Bhai, kahan se aayi hai gaadi ekdam se beech mein? गाड़ी की हेल्थ तो ठीक ही है अपनी, फुली है लगभग ऑलमोस्ट। ये कौन सा मीटअप है? एक मीटअप ये है अपना, पता नहीं कौन सी वाली रेस है, अभी पता लगेगा। चलो भाई अंदर चलो। कॉर्नर किंग, रेस करके पता लगेगा कौन सी रेस है। अभी सीट एडजस्ट नहीं हो रही। चलो पता नहीं हम लोगों ने इसमें कितना पैसा लगाया कितना नहीं लगाया ये तो पता नहीं है, पर अभी मेन फोकस है कि कितना पैसा मिलेगा। नंबर चाहे कोई भी आए, अपने को ट्राई करना है कि फूके बिना गाड़ी लेके जाए उधर तक। ओए चेक पॉइंट मिस ना हो जाए। चलो अभी कौन सा नंबर है, अभी 7th नंबर ही चल रहा है अपना। तो हीट लेवल बढ़ गया अपना। अस्ता तो भी ओए क्या कर रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। अभी दोबारा करनी तो पड़ेगी ये रेस हमें पक्का। हैंड ब्रेक तो लगाया था। अच्छा स्टेयरिंग ज़्यादा घुमाना पड़ेगा, ठीक है ओके। बहुत आगे हैं आगे वाले लोग, 84% हो भी गई है।
ये लोग एकदम लास्ट पॉइंट पे ना ट्रैफिक लगा के रखते हैं साले। लास्ट वाली रेसेस में भी यही हुआ था, एकदम लास्ट पॉइंट पे जाके ना ऐसा ट्रैफिक लगा देंगे कि बस हो गया काम। कौन सी गाड़ी है इसकी? कमेरो। कितने मिले? $500। कार रिस्क पे है, चलो पॉप चेस रिज्यूमिंग। ठीक है भाई, सीधा सेफ हाउस पे गिरा सीधा सेफ हाउस पे गिरा। मेयर स्टीवेंसन, यू हैव बीन इन ऑफिस फॉर अ व्हाइल नाउ। भाई ये सेफ हाउस ही तो है, जाने दो अंदर। वी नीड टू बैक द बॉयज इन ब्लू एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दोस। अच्छा था, 3000। ओके, फिर से रात हो गई यार। अपने पास 13000 कैसे हो गए भाई? I hear there's some sick race routes planned tonight. Let's tear the lake. इसी तरीके से हमने पैसे कमा लिए। या इनका कुछ ग्लिच होगा गेम का। पुलिस वाला इधर ही है। अरे नहीं यार, गलती से पुलिस वाला ही ठोक दिया मैंने। घुस गया गैराज में फटाफट, ऐसे ही कर देता हूँ मैं। बच गए पुलिस वाले से। पुलिस वाला आ रहा है फिर से आगे से। बच के बेटे, इस बार नहीं ठोकान फोकना पुलिस वाले को। एकदम प्यार से चलेंगे, आराम से। हीट लेवल अभी कम है तो अगर पुलिस वाला आगे पीछे हमारे आएगा भी तो जब तक हम उसे ठोकेंगे नहीं तब तक वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगा। लास्ट टाइम तो अपने से गलती हो गई थी। On today's episode, I'll be looking at how this was allowed to go through without facing the public. यही तो रेस करी थी शायद हमने अभी। Damn, you see the buy-ins on some of these races? We can't get that kind of cash playing it safe. There's got to be enough. दो इवेंट हैं यहाँ पे, दोनों में से एक के लिए हमारे पास पैसे थे, एक के लिए पैसे हमारे पास नहीं थे। सर्किट रेस, कौन सी सर्किट रेस है? देखते हैं अभी कौन सी होगी सर्किट रेस, पता लगेगा। गाड़ी कैसे मेरी तिरछी खड़ी है? ये कोई तो, ये तो कोई रेसिंग रेसिंग ट्रैक है शायद। यार इसमें उतने ज्यादा टर्न ना हो तो शायद हम जीत जाएं। डिसबैलेंस हो जाती है एकदम। हेलीकॉप्टर बना दिया इसका गाड़ी का। हम नया भाई, हम नया व्हील से खेलने वाले बंदे। कोई नहीं कोई नहीं, आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा, व्हील से खेलना भी आएगा। okay, 38% हुआ है अभी, और हम फोर्थ हैं। पिछली बार हम लोग यहीं पे ठुके थे और हम लोग यहाँ पे ठुके थे। ठीक है, हल्का हल्का समझ में आ रहा है कंट्रोल करना। और ये मामे मामे आ गए बीच में काम खराब करने के लिए। I am pursuing the suspects.
फाइनल लैप है, एक बंदा मेरे जस्ट सामने है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, ऊपर वाले ने हमारा साथ दिया, तो शायद हम थर्ड आ जाएं। एक पुलिस वाला और निकला है साइड में से, एकदम से तेजी से। थर्ड आ गया, थर्ड 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 थर्ड। चलो चलो चल 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 बेटे, कर दिया पुलिस वालों ने फिर काम खराब यार। नहीं जीतने दूंगा, नहीं जीतने दूंगा, गाड़ी तेरे आगे लगा दूंगा बेटे। थर्ड आ गए ना, थर्ड आ गए। चलो कितना पैसा मिला, 4000, 4000। कूल। पुलिस वाले अभी पीछे पड़े हुए हैं, तो पुलिस वालों से बचने के बाद भी शायद थोड़ा बहुत पैसा मिले हमें। एंटी बैंडी जगह लेके घुस जाऊंगा गाड़ी। बच गए थे यार, फिर पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अगर मैं बिल्कुल सीधी सीधी गाड़ी घुमाऊं तो क्या ये पुलिस वाला मेरे से पीछे रह जाएगा? बच गए। चलो एस्केपिंग। बिल्कुल तेजी से सीधी भगानी है गाड़ी, कहीं पर ठुकना नहीं है, तो हम पुलिस वालों से बच जाएंगे। बच गए। रिवॉर्ड $100। ओके ठीक है। Yo, I heard from Alec. He's legit impressive. Got a major hustle. अभी कहाँ पे? फिर से देखते हैं कोई और मीटअप है अपना। How come I never met him before? You've never met my uncle Choppy. पीछे की तरफ कोई मीटअप है? I got people you don't know, all right? As I said, we came up in the system together. He looked out. अच्छा। Yeah, I know. 4000 हमारे हीट के अंदर हैं और 11000 हमारे पास है, तो जब तक हम सेफ हाउस पे नहीं पहुंचेंगे मेरे ख्याल से, तब तक हमें ये पैसा ना हमारी जेब में नहीं आएगा। अगर पुलिस वालों ने हमें हीट रहते हुए अगर पकड़ लिया, तो हमारे सारे कमाए हुए पैसे उनके पास चले जाएंगे, बेल वेल कराने में सारे पैसे निकल जाएंगे। जब तक हम दूसरा इवेंट शुरू नहीं करते हैं या जब तक हम सेफ हाउस तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारे पैसे हमारी जेब में आएंगे नहीं। यही है शायद सिस्टम इसका। और अभी ये किस चीज़ का आइकन दिखा रहा? ना ना ना, पुलिस वालों की तरफ तो जाना ही नहीं है, पुलिस वालों की तरफ नहीं जाएगा भाई एकदम। मैं बीच में से ले जाऊंगा जंगलों। जंगलों से ले जाऊंगा मैं गाड़ी, उड़ा के ले जाऊंगा इधर उधर से, कुदा के ले जाऊंगा, गन्ने के खेत में से ले जाऊंगा गाड़ी। सीधा सीधा नहीं जाऊंगा भाई पुलिस वालों से पंगा लेते हुए। पुलिस वालों से लगने लगा हमें डर अब। चलो जंगल में से जा सकता हूँ क्या? दिख तो रहा है मुझे सामने ही कुछ। ये जंप करने वाली कोई जगह है? ये जंप करने वाली जगह पे चलते हैं, पीछे से गाड़ी लेके आता हूँ और फिर जंप करेंगे। वो रहा सामने, रेडी? चलो नाइस। ऐसी गाड़ी में रेस में क्यों नहीं चलाता? जितने अच्छे टर्न में ऐसे मार लेता हूँ फ्री रोम में, ऐसे टर्न में उसे रेस में क्यों नहीं लगते? ये हैंड ब्रेक का कुछ करना पड़ेगा।
लेफ्ट इंडिकेटर दे के चलो, हाँ इधर इधर से होगा कोई ऐसा दिलदार आदमी जो जंगलों में लैम्बोर्गिनी चला रहा होगा। नीचे से घिस घिस के टूट जाएगी गाड़ी पूरी। शाबाश, बहुत बढ़िया। मेरा मीटर, अगर ये दूसरी रेस हुई ना तो फिर अपने पैसे फंस जाएंगे यार। पहले सेफ हाउस में चले जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी खतरों के खिलाड़ी हैं। ये कौन सा है? चलो, थोड़ी सीधी सीधी सी ही रेस लग रही है, हो सकता है पूरी कर ले, हम जीत जाएं। स्प्रिंट रेस गोइंग अप टाउन। ओके ओके ब्रो, ये कौन है? गांगुली, ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाते लौंडिया। इसने भाई साहब कैसे साइलेंसर लगा रखे हैं? साइलेंसर कह रहा हूँ एग्जॉस्ट ऊपर खड़े करके लगा रखे हैं एग्जॉस्ट अगले ने। फिर पुलिस वाले आ गए भाई। ये पुलिस वाले नहीं मानते भाई, रेस खराब करने आ जाते हैं पुलिस वाले। चलो चलो, अब सामने से पुलिस वाला एंट्री मारेगा। यार चल 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 चल, सही है सही है सही है सही है, कुछ नहीं हुआ। थर्ड पे है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड नंबर भी ठीक है। क्या बचाई है गाड़ी तुम्हारे भाई ने, मजा ही आ गया देख के, प्राउड ऑफ यू। टनल के अंदर गड़बड़ हो सकती है भाई, टनल के अंदर। सेवेंटी टू परसेंट। हैंड ब्रेक, फिर भूल गया मैं कौन से देता हैंड ब्रेक। सेवेंटी नाइन एट्टी परसेंट हो गया। और ये पुलिस वाले ना अपना देखो, अपनी कलाकारी दिखाने वाले हैं बस। अब ये पुलिस वाले बीच में ट्रैफिक लेके आएंगे और एकदम से सामने से ऐसे घुसेगा कहीं ना कहीं पे। बस एक ही डायलॉग आता है इसे। कोई नहीं, थर्ड आ गए, ठीक है, अच्छा नंबर है। जैसे जैसे हम लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं ना, हमारी रैंक बढ़ती जा रही। क्या करूं, ऐसी रैंक कम है। डेढ़ हो गया अपना हीट लेवल, अभी पुलिस वालों से ना बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। सेफ हाउस की लोकेशन डाल लेता हूं फटाफट। हीट एकदम जीरो, ये ट्रिक नहीं है, बढ़िया नहीं नहीं है, मतलब ऑब्वियसली बात है पहले भी लोगों ने करी होगी, पर मेरे लिए कुछ नया है भाई। जाओ सीधा सीधा एकदम सेफ हाउस के अंदर एंट्री मारो और छुट्टी। मुझे थोड़ा थोड़ा ना ग्रैस हो रहा है कि ये व्हील के ऊपर रेसिंग कैसे करनी है। जैसे इस तरह के टर्न्स होते हैं ना, मुझे क्या आदत है, मेरे दिमाग में वही मेंटेलिटी है कीबोर्ड वाली, क्योंकि कीबोर्ड पे ना हम लोग
एक्सप्लोरेशन छोड़ते नहीं है, कीबोर्ड पे अपना बस ऐसे ऐसे चलते रहता हाथ। अभी व्हील के ऊपर क्या, व्हील के ऊपर अगर टर्न लेना है ना, और अगर एक्सप्लोरेशन ड्रॉप नहीं किया है तो टर्न करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। तो अभी अगर मैं जैसे टर्न लूंगा तो मैं व्हील एक्सप्लोरेशन छोड़ा और बहुत इजीली मेरा टर्न कर गया, उतना मुझे हार्ड नहीं पड़ा, तो अच्छा है। ये वाली चीज थोड़ी समझ में आई तो शायद अब अपनी रेसेस थोड़ी ना अच्छी हो जाए। और रियलिस्टिकली भी हम लोग स्पीड तो अपनी कम करते ही हैं जब हम लोग ऐसे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा मुझे उसी वे में सोचना पड़ेगा कि हाँ रियलिस्टिकली मैं कैसे गाड़ी चला रहा हूँ, शायद फिर मैं असली में भी रेस कर लूँ। गाड़ी तो है तुम्हारे भाई के पास, बाइंग जीरो रिवॉर्ड 30,000, फर्स्ट के लिए 30,000 है। और यार रेस भी तो बहुत खतरनाक है, मैं वहां से वहां तक तो जा सकता हूँ पर वो घूम के जो आना है ना वो अपने लिए दिक्कत आ जाएगी। एट्थ में भी 3,000 है, तो चलो अगर एट्थ भी आए मरे से मरे तो अपने 20,000 तो ही जाएंगे अपने पास। डरते नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, किसी चीज से नहीं डरना। थोड़े टाइम के बाद भाई मैनुअल भी खेलने लगा, ऐसे शिफ्ट कर करके खेलने लगेगा भाई थोड़ी देर में। कोशिश ऐसे करनी है जैसे मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, पर मैं अपनी गाड़ी ना इतनी ज़्यादा संभाल के चलाता हूँ उस तरीके से शायद मैं यहाँ पे चला ना पाऊँ। ये दिमाग में वो चीज़, वो गेमिंग वाले एलिमेंट तो रहते ही हैं दिमाग में कि यार चल गेम है कुछ नहीं होता। अभी फोर्थ चल रहे हैं हम लोग, टनल के अंदर एकदम से जो पिलर आ जाते हैं ना यार उनसे मुझे बहुत डर लगता है, वो डाइवर्ट करने के लिए ना, रास्ता चेंज करने के लिए जो पिलर आते हैं वो बहुत खतरनाक चीज लगती है मुझे। ओए भाई साहब क्या एक्सीडेंट हुआ उसका, यस आई एम एमिंग फॉर यू। ऑन कमिंग ट्रैफिक पे ही रखता हूँ मैं और कोशिश करूँगा कि जब अपना नाइट्रो थोड़ा बढ़ जाए फिर उसको लास्ट में यूज़ करूँ। अभी इधर से लग नहीं रहा मुझे ऑन कमिंग ट्रैफिक आता हुआ, तो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं ये वाली चीज़, उस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं। और अभी मैं ड्राफ्टिंग पे हूँ तो ड्राफ्टिंग पे भी अपना नाइट्रो बढ़ रहा है अच्छा खासा। अब ऑन कमिंग ट्रैफिक आने लगा और अब ये मोड भी अच्छे खासे आने लगे। जो लास्ट टर्न है, लास्ट टर्न के बाद के लिए मैं नाइट्रो बचा के रखता हूँ। फर्स्ट पे आ गया तुम्हारा भाई, ओ माशाल्लाह क्या सही कट मारा है। बस अब बीच में मामे ना आ जाए, अगर मामे नहीं आए ना भाई साहब $30,000 अपने धड़कने फटी, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई भाई मेरी। यस 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 नाइस, $30,000 पूरे चाहिए मुझे। कंटिन्यू, पुलिस आएगी क्या? अभी पुलिस आई तो नहीं थी। सबसे पहले बाकी सब काम गया बाद में, सबसे पहले चलते हैं सेफ हाउस भाई, अपने पैसे कराते हैं जेब में। मैं ये 30,000 खोना नहीं चाहता। मजा आ गया यार रेस में, वो जो कट था ना
लास्ट में जो कट लगा था वो एकदम भाई मजा आ गया एकदम, मतलब खुद में ही अच्छा अच्छा सा लग रहा है देख के वो तो। चलो आराम आराम से चलते हैं, बहुत प्यार प्यार से चलेंगे, स्पीड लिमिट आधी जितनी पुलिस वालों ने रखी हुई है उसकी आधी करके चलेंगे स्पीड लिमिट, ताकि हम ये पैसे सेव कर सकें। भाई भाई ने पहली रेस जीती है एनएफएस अनबाउंड में। पहली रेस और वही 30,000 की जीती है। What did I say about taking risks? If we impress this guy, we'll reap the benefits. But there's no second chances. भाई पहले हमें जाने दो सेफ हाउस में। बाद की बातें बाद में करना, पहले हमारे पैसे जमा कराओ। इसे लाना उठा के, उसे लाना उठा के, वो सब मैं बाद में देखूंगा। Pick up the car for Alec. ये पैसे जमा नहीं करने देंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर मुझे शक होने लगेगा कि क्या मैं वो रेस सच में जीता हूं या फिर इन लोगों ने मुझे वो रेस जितवाई है। कि चल इसको एक रेस जितवा देते हैं, उसके बाद एक इवेंट दे देंगे, वो इवेंट जीत नहीं पाएगा, इसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और सारे के सारे पैसे इससे उतार लेंगे। ये इनका स्कैम भी हो सकता है, गेम डिजाइनर्स बहुत हरामी होते हैं भाई। बिल्डिंग्स कैसी बना रही, बिल्डिंग्स देखने में थोड़ी ऐसे कटआउट सही है, उतनी बुरी नहीं लग रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्डिंग बुरी लग रही है, पर थोड़ी कटआउट कटआउट से लग रहे हैं देखने में, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे बिल्डिंग्स को। एलेक लौंडे कहाँ पे है तू भाई, मेरे पैसे अटके हुए हैं तेरी वजह से, साले मेरे पैसे मत ना खराब करवा दियो। कौन सी गाड़ी है? Damn, yes. Nice. You take it. I'll drive out to the drop off behind you. On it. कौन सी गाड़ी है? गाड़ी तो दिखा दो। Job between us, right? वो तो अपनी गाड़ी लेकिन निसान की है, GTR है क्या? लग तो GTR टाइप ही रही है। GTR ही होगी, तुम लोगों को पता है तो बता देना। हीट लेवल देख, मैं कह ही रहा हूँ ये साले हरामी है ही गेम डिजाइनर। For sure. I can't wait to see what this thing can do. Shit. Damn it, Jasmine. Is this car hot? Maybe. Let's split up. I'll meet you at the drop off. Got it. Stay safe. मैं क्या कह रहा था? That's her Spanish dispatch. Suspect is still at large. इस गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है यार। चलो बच गए पुलिस वाले से, तो सही टर्न ले लिया मैंने माशाल्लाह। इस गाड़ी की हैंडलिंग उससे बहुत अच्छी है यार, लैम्बोर्गिनी से, निसान GTR इसीलिए इतनी ज्यादा फेमस है शायद। मुझे स्काईलाइन बहुत पसंद है, वो पुरानी वाली जो GTR आती थी ना, ओए होए क्या गाड़ी है यार वो। चलो पहुंच गए, अब तो दे दो यार हमारे पैसे। तो अब सुन रहा हूँ $30,000 के लिए रो रहा हूँ भाई, अब तो दे दो पैसे, दिलवाओ तो यार इनसे पैसे यार। कौन खड़ा है यहाँ पे? एलेक खड़ा होगा यहाँ पे, एलेक अपना बॉन्डा। Come on, Yaz. Pick up. Pick up. Yo, it's Yaz. Leave a message and I might get back to you. Probably won't, but I might. गाड़ी लेके तो नहीं भाग गई हमारी? Oh, Yaz, where are you? I'm at the drop off and there's nothing here. Are you sure this Alec guy gave you the right address? Shit. Hi sir. Yes, the garage alarm just got tripped. जिस लड़की ने इसको बोला था कि ये कार ड्रॉप करके आ, वो लड़की इसकी गाड़ी लेके भाग गई है, और जो बंदा यहाँ पे था जिसके लिए कार ड्रॉप करनी थी, वो बंदा यहाँ पे है ही नहीं। अब हम करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या? कहाँ गई है गाड़ी लेके? राइडन के पास चली गई क्या? राइडल के पास ही जाना ऑब्वियसली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रास्ते हमारे पीछे फिर से पुलिस पड़ेगी, और ये बंदी होगी बंद, और बंदी बंद होने के बाद
फिर ये अपना कैरियर करेगी दोबारा। नहीं 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 ये वाला टर्न नहीं है। नाइस, पुलिस की आवाज आ रही है भाई। दस अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। कितनी दूर है? पहुंच नहीं वाले शायद यार। ये हमारे ना यार इन्होंने पैसे अटका रखे हैं यार, बहुत गलत बात है ये। राइडल के आ गए हम गैराज पे। जीटीआर ही है बोला था मैं। ये क्या हुआ? राइडल के गैराज से कोई गाड़ी चुरा के ले गया। ओ भाई, अरे पीछे देख ले मैडम, वो गाड़ी लेके भाग रहा है। वो रही हराम की बच्ची, वो रही। भाई लड़की ने मुखबरी कर दी बहुत बेकार वाली। लड़की ने धोखा दे दिया इसे, हमें भी धोखा दे दिया, राइडल को भी धोखा दे दिया। राइडल के गैराज में चोरी करा दी और अपनी लॉन्डी की गाड़ी लेके आ गई थी। तोड़ दे रेप्टा मारे एकदम खींच के इसके। मेरी गाड़ी तो छोड़ दे मैडम, हम Yes, कार नहीं, कार्स। बाकी गाड़ियां भी लेके गई है वो उसके बेचारे को देख, उसे नल्ला कर दिया। क्या कर सकते हैं, धोखाधड़ी का जमाना है भाई। 2 साल बाद तुम बैलेंस मत जीरो कर देना मेरा भाई साहब, मुझे बहुत ही गुस्सा आया। कसम से मैं तोड़ दूंगा कुछ ना कुछ अगर तुमने मेरा बैलेंस जीरो कर दिया। राइडल के गैराज में काम करने लगी शायद अपनी लड़की है। 2 साल हो गए पर इसकी नाक की पट्टी, इसकी नाक की पट्टी ठीक नहीं हुई अभी तक, नाक पे इसके चिपकी हुई है। 2 साल हो गए। इधर उधर तो चलो मान लेते हैं, हम पिंपल इम्पल की वजह से है लड़कियों को होते रहते हैं पिंपल इम्पल। लौंडे तो सुबह उठते हैं ऐसे निर्मा से मुंह धोते हैं आप निकल लेते हैं, लड़कियां पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। I did clean out the storeroom and dude, you were right. That is a possum. 2 साल में पता लगा इसे कि that is a possum. रेस कराओ यार, सिनेमैटिक विनेमैटिक बाद में दिखाऊं। पैसे दो और रेस कराओ, ऐसा चाहिए मुझे पैसा। Why am I always crying? No, हम नहीं करा। I'm here. राइडल को वो आए हुए हैं नोटिस वोटिस, कर्जा वर्जा ले रखा है शायद राइडल ने बहुत ज्यादा। पीस पीस। अभी हम लोग कौन सी गाड़ी चला रहे हैं देखना पड़ेगा, लड़की के पास कौन सी गाड़ी है, कोई ऐसी होगी नल्ली सी गाड़ी। हेलो राइडल्स राइड्स नीड अ लिफ्ट। निसान जीटीआर। Heard you might be a good person to call for a cheap ride. I'll hit you with the address and where I'm heading. No sweat, I'll be there soon. कर दिया जीरो बैलेंस। कुत्तो। बहन के घोड़ो। चल गाड़ी का तो कुछ नहीं यार, तुम लोगों ने GTR दे दी ठीक है मैम। कर लूंगा मैं सबर GTR पे। बैलेंस तो जीरो ना करते। ए गिरे जीती है तुम्हारे भाई ने, उसी में ज्यादा सारा पैसा ले गए तुम। मैं बोल ही रहा था ये इन लोगों की ना ये साजिश थी, वो रेस जीता के हमें खुश करना और फिर उसके बाद बैलेंस आउट कर देना जीरो की जीरो सब कुछ कि जाओ अब जीरो से स्टार्ट करो। कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट करेंगे, आतंक मचा दूंगा।
कायदे से गेम शायद अब स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो ऐसी प्रोलॉग प्रोलॉग चल रहा था। सिटी के अंदर 100 की स्पीड लिमिट है, ज्यादा है। उनको स्पीड लिमिट भी दिखा, पर यहाँ पे इसमें स्पीड लिमिट दिखा के क्या है? कोई नॉर्मल प्रॉपर सिटी बिटी वाले गेम हो जिसमें पुलिस सच में पीछे पड़े तो बात अलग है। पुलिस तो खैर इसमें भी पीछे पड़ती है, पर वो एकदम वो ट्रैफिक व्रैफिक वाले जो गेम्स होते हैं ना, वो सिटी ड्राइवर टाइप का जो गेम है। सिटी ड्राइवर मैंने खेला था, एक अच्छा गेम है यार वो। मुझे गाड़ी का लाइसेंस दिलवाने में उसी का हाथ है। सिटी ड्राइवर खेलोगे ना तो उससे ट्रैफिक के रूल बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। रेड लाइट कैसे फॉलो करनी है, कहाँ कहाँ पे रुकना है, किस लेन में गाड़ी चलानी है, कैसे कैसे तुम्हें वो ट्रैफिक के रूल फॉलो करने हैं और स्पीड लिमिट में गाड़ी चलानी है, वो सब चीज़ें उसमें बहुत बहुत है। बहुत अच्छा गेम। And yo, check this, bro. He was all like, "If you know, you know." ये वही बंदी है शायद? You know what I said? हाँ, जो इसकी गाड़ी लेके भागी थी वही है ये। Hi, Tess. Yo. नहीं, वो तो नहीं है, ये कोई और है। So if you could, I got you. उसका नाम टेस था शायद। ये टेस है, पता नहीं यार। ये बंदी बहुत मेहनती है मुझे ऐसा लग रहा है। पहले ये राइडल के गैराज में काम करती है, जब राइडल के गैराज की शिफ्ट पूरी हो जाती है फिर ये लड़की ऊबर चलाती है, और ऊबर चला के फिर ये पैसे कमाती है मेरे ख्याल से नई गाड़ी खरीदने के लिए। अभी क्या बात चल रही है इसकी? You're in the racing scene but don't have a car? You just get rides. I also like being on time. Yo, does this thing go any faster? कुछ रेस वेस की बात कर रही है। जो लड़की आगे बैठी है ना इसकी गाड़ी में, उसको कुछ रेसिंग के अड्डों का पता है, और मेरे ख्याल से ये हमें वहीं पे लेके जा रही है, तो शायद हमारा रेसिंग वाला करियर दोबारा से शुरू हो जाए। Great conversation. पहुंच गए। मर्कडीज, कन्वर्टिबल मर्कडीज, GTR बहुत है। यहाँ पे रेसिंग वेसिंग ही चल रही है मेरे ख्याल से, वहीं पे लेके आइए। हाँ, Whoa, I haven't seen this many races in one place in a minute. What brought everyone back out? The love of racing, bruh. The need to express oneself behind the wheel. And money also. Yeah, probably money. हमें भी चाहिए पैसे तो यार, सही बात है। सही बात है। I can see why. I'm gonna do the rounds, figure out what's up. Thanks for the lift, Speedy. Speedy? Nice name. मैं भी अब से Speedy ही बोलूँगा। ये कौन आया? That's my car. ओहो, यस, ये है वो लड़की। हाँ, ये रही वो भड़वी जो गाड़ी लेके भाग गई थी हमारी, और इसी की गाड़ी इसके सामने लाके ड्रिफ्ट मार रही है और मॉडिफाई करके लाई है एकदम, स्टिकर भी स्टिकर चिपका के, और उसको भी पता नहीं है कि स्पीडी भी यहीं पे है। देख शक्ल, देख उसकी, झटका लगेगा तुझे। What's it gonna take, huh, to remind you why we got into this? Stacks. Paisa. Three qualifiers. High risk. You have to win with the cops. You take them on. You make it, and I will see you in the finals. The Lakeshore Grand. You want to win? Then you had better be the best. कोशिश करेंगे हम जीतने की, सारे पैसे उड़ा लेंगे। पुलिस आ गई। 7 days until the first qualifier.
इन लोगों का कोई कंपटीशन वॉम्पिटिशन ये लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इन लोगों की कोई रेस वेस चल रही है लेक शो ग्राइंड करके, और उसके कुछ क्वालिफाई शुरू हो रहे हैं अगले हफ्ते। और ये बिना बात के पुलिस वाले हमारे पीछे लग जाते हैं। एक पुलिस वाला तो उड़ा दिया तुम्हारे भाई ने, एक पुलिस वाला और बचा है। Escaping! बच गए, निकल। चलो मुड़ गया, गब्बो तो मुड़ गया, पुलिस वाला मुड़ गया। ठीक है, That's my car that she's driving. Like her car that she was driving. She even had the. चलो कोई नहीं, पुलिस वालों से तो बच गए। इस बंदी को इसके घर छोड़ के आते हैं सही सलामत, और कहीं नहीं ठुकना। This garage is it nearby? I'm thinking now's a good time for us to get off the street. Yeah, no kidding. On it. मुझे लगा मैं गया पानी में। Like what? Trying so hard? Look, that ain't the guys I know. But it's been a while. लड़की को कर दिया हमने ड्रॉप। This is it, Rydell's rides. Not bad. Think he's a little work. So this is where Yaz started off, huh? ये उसको उसकी यास की पुरानी स्टोरीज बता दिया कि वो पहले हमारे साथ काम करती थी बड़ी। अरे नहीं यार, दोस्त है। Triggered the alarm system. Hey, don't touch it. Sorry, this is Tess. This is Tess. That is Yes. Your hair off. Nice to meet you, Slugger. Rydell, I saw Jasmine. She just pulled up at this meetup. You're kidding. She still had the car, and she's still with that same crew that jacked our garage. Setting up some high-stakes circuit called the Lakeshore Grand. Corny. With our car. I need to beat her. I need the garage. I need your help. Well, I don't care. Now, let's say you do this, okay? Rydell को ये पुरानी स्टोरी बता दी हम। पुरानी नहीं मतलब ये अभी की स्टोरी बता दी है कि मैंने जैज को वहाँ पे देखा था अपने ही क्रू के साथ, जो क्रू उसके साथ पहले आया था इसका गैराज वगैरह, उसके अंदर से गफ्तारी गाड़ी चुरा के ले गए थे। अब ये बोल रही है कि मुझे उससे भाई बदला ले, मुझे तेरे गैराज की हेल्प चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे रेस करनी है, उसे हराना है और मुझे अपनी गाड़ी वापस चाहिए। ऐसा कुछ सीन चल रहा है। Love that name, by the way. Full disclosure. I went to that meetup tonight looking for a racer. ये टेस्ट शायद इसको हेल्प करेगी ये सब चीजों में। Oh yeah, and the kid was crazy fast outrunning him. Now, I'm thinking, learn from the best. Listen, I got what you need. Cash, and you two got what I want, a reason to win. Cash इनको करेगी finance ही होता ना सही बोल। Cash इनकी पैसों से help करेगी। ये जितना पैसा लगाना है तुम लोगों को लगाओ, मैं fund कर रही हूँ तुम्हें। तुम लोग अपनी गाड़ी वाड़ी तैयार करो, race वेस करो, जीतो, मेरे पास पैसा आएगा, तुम लोगों को बदला मिलेगा। Win-win situation. मान गया कलवा साले, पैसे के भूखे लालची। No matter what Jasmine does, you do it the right way. ठीक है। Deal? मैं चीटिंग वैसे भी नहीं करता। Deal. मैं चीटिंग वैसे भी नहीं करता भाई। No cheating. गेम के अंदर चीटिंग गलत बात है। मुझे तो ऑनलाइन शूटिंग वाले गेम से भी चीटर बहुत बेकार लगते हैं यार। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज की वीडियो हमें यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए। रेस करी हमने, जीती भी, और हमें थोड़ा स्टोरी लाइन भी अपनी बिल्डअप हुई कि कैसे स्पीडी के पास, या जो भी नाम है यार इसका, मैं तो स्पीडी बोलूँगा, स्पीडी के पास जैसे कैश वैश था वो आके इसकी दोस्त जैस सारी गाड़ियाँ चुरा के ले गई, गैराज ख़त्म कर दिया, और अब इसकी ये रिवेंज स्टोरी शुरू हो रही है एकदम साउथ वाली मूवी के जैसे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि मुझे नया व्हील खरीदना है भाई, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए।
नया व्हील खरीदूंगा। अरे नहीं सच में, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे इस बंदी की स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ेगी, कितनी हम लोग रेस करने वाले हैं, कैसे नई नई गाड़ियाँ खरीदनी है और कैसे कैसे पैसा जमा करके हम गाड़ियाँ अपग्रेड करेंगे, वो सब अब आने वाली वीडियोज़ में अब वो सब कुछ होगा। तो गाड़ी भी हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही खरीदेंगे, इस वीडियो के अंदर नहीं खरीदते हैं, ये वाली वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और तब तक के लिए बाय बाय।